तन मन धन जो बन बाला मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तो घाल दे हूं फूल माला हो मेरे अर्पण कर दे अपना तन मन धन जो बन अपना
मांगी। हाँ कहिए। एक चीज ऐसी है हाँ कि उसको चोर तो नहीं चुरा सकता। अच्छा वो वैसी बेकार होगी ना ना, और चीज बहुत कीमती है। अच्छा सस्ती वो है नहीं। अच्छा और उसे कोई भी नहीं चुरा सकता चोर के। अच्छा ठीक है, सुन ले बात में। और चोर चुरा हा? चोर चुरा नहीं सकते उसको, चोर चुरा नहीं सकते उसको, पर वो चीज न सस्ती है। विद्या धन चोर चुरा सके, विद्या धन चोर चुरा सके, और बांटने से बढ़ती है। विद्या धन चोर चुरा सके, और बांटने से बढ़ती है। और नारी का कौन सा गहना रे, नारी का कौन सा गहना तो सबसे बेश कीमती है। लज्जा लज्जा नारी का गहना है, लज्जा नारी का गहना है, सुंदरता और निखरती है। लज्जा नारी का गहना है, सुंदरता और निखरती है। मेरी बहनों ने नहीं सुना क्या, जो लज्जाशील नारियां होती हैं, लज्जा नारी का गहना, उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ताली बजा के बताओ। अगर कोई निर्लज्ज है, क्या बात है, सुनती रहो ध्यान से, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो और निर्लज्ज है, वो सुंदर नहीं होगी। लेकिन लज्जाशील नारी चाहे कितना भी रूप रंग मंदा हो, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। कह दे बात। लज्जा नारी का गहना है, सुंदरता और निखरती है। लज्जा नारी का गहना है, सुंदरता और निखरती है। और कौन जागते हुए सोता है हो, कौन जागते हुए सोता है, कौन जागते हुए सोता है, बोल ज्ञान का ताला। जो मनुष्य जाग तो रहा है, लेकिन एक चीज का फिर नीचे कर लो, अगर एक चीज का ज्ञान उसको नहीं है, एक तो जगह फिट कर दो बस भाई, सुन लो। अगर वो एक चीज का ज्ञान नहीं है तो वो जागते हुए भी सोता माना जाएगा। किस चीज का ज्ञान ना हो अब क्या कह दे। अरे कौन जागते हुए सोता है हो, कौन जागते सोता है, कौन जागते हुए सोता है, खोल ज्ञान का ताला। जिस ज्ञान आत्मा का कोना, जो ये समझता है कि भाई मैं तो चौधरी हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, और वो ये नहीं समझता कि मैं केवल आत्मा हूँ, और ये सारी आत्मा ही है, और ये जीवधारी भी आत्मा ही है, जैसी आत्मा वे हैं वैसी आत्मा हम हैं, हम यहाँ अपने भोग भोगने के लिए आए हैं। जिसको इतना ज्ञान नहीं है वो जागते हुए भी सोता माना जाता है। तो सुन बात। जिस ज्ञान आत्मा का कोना, जिस ज्ञान आत्मा का कोना, जागत में भी सोने वाला हो, मेरे अर्पण कर दे अपना तन मन को, बोल दे ले आओ। एक चीज ऐसी है हाँ? एक चीज ऐसी है हाँ? कि जिसे ना तो काट सकते हाँ? ना जला सकते। अच्छा और फिर भी दिखाई दे जाए। अच्छा दिए जा वो दिखाई कह दे तो सुनो हाँ?
कौन चीज जिसे काट सके ना, कौन चीज जिसे काट सके ना, न जला सके दे दिखलाई, न जला सके ना काट सके, न जला सके ना काट सके, ऐसी होती है परछाई, ना जला सके ना काट सके, ऐसी होती है परछाई। अब के नहीं दिया जब तेरे को जवाब, अब के और बोल दो। अच्छा अब के भी देखेंगे, तू तो देखता ही जा रहा है। हाँ? कैसे करके हटेगा, ब्याह करवा कर। अच्छा हाँ। क्या है उपाय सुखी रहने का, क्या है उपाय सुखी रहने का, क्या जाने बातें बताई, चाहे किसी के पास में कितनी भी दौलत हो, हाँ, चाहे किसी के पास में कितनी भी बड़ी सत्ता हो, और चाहे किसी के पास में कितने भी बड़े साधन हो, वो सुखी नहीं रह सकता। केवल वो आदमी सुखी रहेगा जिसको मैं इस लाइन में बता दूंगा। अब क्या कह दे, क्या है उपाय सुखी रहने का, क्या है उपाय सुखी रहने का, क्या नहीं बातें बताई, अच्छे स्वभाव का मनुष्य सुखी हो, अच्छे स्वभाव का मनुष्य सुखी हो, या वे दोनों समझाई, अच्छे स्वभाव का मनुष्य सुखी हो, वे दोनों समझाई, जो है ईश्वर तो, जो है ईश्वर तो प्रमाण बता दे, जो है ईश्वर तो प्रमाण बता दे, जो है ईश्वर तो प्रमाण बता के थाम जीत का पाया, बिन करता के नहीं कार्य, बिन करने वाले के कोई कार्य नहीं हो सकता, और अगर हम हैं, हम रचना है, तो कोई रचने वाला जरूर है, और ये ही प्रमाण है परमात्मा का। अब क्या कह दे, जो है ईश्वर तो प्रमाण बता दे हो, ईश्वर तो प्रमाण बता के रे जीत रे थाम जीत का पाया, बिन करता के नहीं कार्य, हम रचना तो रचने वाला, कहिए। अभी तक आपने जो मेरे प्रश्न थे, हाँ, अभी तक आपने उत्तर बिल्कुल ओके दिए हैं। अच्छा ओके तो, होगी बात तो आधी बहु, ठीक है, आधी बहु तो होली होगी ना, ना 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 और पूरे एकदम ही पूरी होगी। हाँ, अच्छा पूरे प्रश्नों को उत्तर देगा जब बात बनेगी। अच्छा हाँ चलो आगे सुन। शास्त्र के पढ़ने से, कौन शास्त्र के पढ़ने से पर मनुष्य बने से बुद्धिमान, एक शास्त्र तो ये कह देगा कि भक्ति करो, एक शास्त्र कह देगा कि कर्म करो, एक शास्त्र ये कह देगा कि भाई ज्ञान बांटो, तो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग मत हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी बात सही है वो एक शास्त्र नहीं बता सकता। अच्छा बल्कि उसका जो निचोड़ होगा वो कहाँ से आएगा, अब की बार बता दूंगा। निचोड़ निकाल रखा मन तन्ने। हाँ बराबर के बात है। और कौन शास्त्र
कौन शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य मन से बुद्धिमान। शास्त्र नहीं केवल सत्संग से, शास्त्र नहीं केवल सत्संग से हो जाता है सच्चा ज्ञान। क्या बात है, शास्त्र नहीं केवल सत्संग से हो जाता है सच्चा ज्ञान। एक तो ये कह दे वहाँ हाथरस में मरे ना है अखिनु के वो श्री हरि है भोलेनाथ। एक आशाराम बापू अपनी बात बतावे, कोई अपनी बात बतावे, कोई अपने, लेकिन बात निचड़ कर जब आते हैं, जब सत्संग होते हैं और जहां सभी किस्म के लोग एक एक जगह बैठते हैं, वो निचोड़ काटते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। जब वो निचोड़ निकलेगा ना, हाँ, जब भी मेरे अंदर भरेगा भरेगी बात। अच्छा, या भी बात मान लो तो कह दे तो बात सुन। शास्त्र नहीं केवल सत्संग से हो जाता है सच्चा ज्ञान। शास्त्र नहीं केवल सत्संग से हो जाता है सच्चा ज्ञान। सुन, हाँ, अब क्या तोड़ कर दे। अच्छा, कर दे बिल्कुल तोड़। हाँ, हाँ, सुन, हाँ, और सच्चा प्रेमी किसको कहते, सच्चा प्रेमी किसको कहते, पता तोड़ की बात सुजान। कोई कहे मैं अपने बहन से प्रेम करता हूँ, कोई कहे मैं अपने कुत्ते से प्रेम करता हूँ, कोई कहे मैं इस आदमी से प्रेम करता हूँ, लेकिन वो सच्चा प्रेमी उसका जब है कब कब अब क्या बता दूंगा। अरे सच्चा प्रेमी किसको कहते, सच्चा प्रेमी किसको कहते, अरे पता तोड़ की बात सुजान। जो अपने को लखे गैर में, जो अपने को लखे गैर में उसको सच्चा प्रेमी मान। क्या बात है, जो अपने को लखे गैर में उसको सच्चा प्रेमी मान। मेरे सारे उत्तर ठीक दे दिए हो, ठीक दे मैं राधा तू नंद का लाला। कह करमपाल चल हस्तनापुर में, करमपाल चल हस्तनापुर में, मेरा खोल महल का ताला हो मेरे अपने।